अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खैर मकदम है आपका प्राइम पोस्ट में। मैं हूँ आपका दोस्त उबैद कश्मीरी, आपकी खदमत में हाजिर। आज 28 जुलाई है और पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड नेचर डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड नेचर डे का एक ही मकसद है कि हम कैसे कंजर्व करें, हम कैसे बचाएं उन स्पीशीज़ को जो एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं और जो ख़त्म होने के करीब है। इस दिन का यह भी मकसद है कि हमें गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल कंपनीज़ या ऐसे इदारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो इनको प्रिजर्व और कंजर्व करने में अपना कलीदी रोल अदा करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं, सेटअप्स उठाए हैं जिससे हम नेचर को बचा सकें। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा प्रोग्राम जो चल रहा है वो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, या नगर वन उद्यान प्रोग्राम, वेटलैंड नेशनल प्रोग्राम, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। तो हमें गवर्नमेंट के साथ तआवुन करना चाहिए और कौन से स्टेप्स हैं जो हमें उठाने चाहिए कि हम नेचर को कंजर्व और प्रिजर्व कर सकें। पोल्यूशन जो हो रही है उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए, हमें सब्जियां उगानी चाहिए, सिगरेट का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, चाहे सिगरेट हो, हुक्का हो, शराब हो, उसका रिड्यूस करना चाहिए हमें। इसके अलावा एफॉरेस्ट्रेशन, दरख्त को लगाना चाहिए, उसके बरक्स हम क्या करते हैं, हम डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं। अगर लड़के ट्रैकिंग पे जाए तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनको भी ये जहन में रखना है कि हमें नेचर को प्रिजर्व और रिजर्व करना है। तो ये थे कुछ गुजारिशात जो हमने आपके सामने रखी हैं। तो नाज़रीन, दीजिए अपने दोस्तों उबैद कश्मीरी को इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।